अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिधवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ और दो मज़ेदार मीठे लेके आए हैं। आज हम पहले बालूशाही बनाएंगे, उसका आटा गूंद के रख देंगे, फिर उसको डीप फ्राई करेंगे और चीनी पानी के शीरे में डाल देंगे और हम कंडेंस मिल्क से सूजी का हलवा बनाएंगे आज। तो देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, पूरा हफ्ता हमारे साथ रहिएगा। ओके, डू वी हैव द इनेक्स गिफ्ट टुडे? ओके, सो आज हमारे पास है डीलक्स केटल इनेक्स की तरफ से। मिठाई के कोई भी दो नाम बताइए, कोई भी आपकी फेवरेट जो मिठाई हो, दो तीन नाम लिख के 8881 पे मैसेज कर दीजिएगा। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। आप इनेक्स की तरफ से गिफ्ट जीत सकते हैं। नाउ सबसे पहले लेट मी टेल यू कि ये रेसिपी जो है मिठाई की, बालूशाही की, अगर आपको पसंद हो ज़रूर ट्राई करिएगा। मैदे से बनती है, 350 ग्राम मैदा है, छान के आप एक बोल में डाल दीजिएगा। इसका आटा हमें गूंदना है, ठीक है? इसको गूंद के आप एटलीस्ट 30 मिनट 40 मिनट रख दीजिएगा। अब यहाँ जितना टाइम मुझे मिलेगा उतना ही हम रखेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इसको फिर हमें आधा घंटा, 20 मिनट से आधा घंटा डीप फ्राई भी करना है मीडियम फ्लेम पर और फिर शीरे में भी डालना है। अब इसमें हम डालेंगे घी 100 ग्राम, ठीक है? सॉफ्ट घी लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको माइक्रो कर दूं, बिकॉज मैंने फ्रिज में से निकाला था, बड़ा सा टिन ला के मैं घर पे रख देती हूँ और फिर छोटे छोटे डब्बों में फ्रिज में रख देती हूँ ताकि फिर जब भी चाहिए हो तो पूरा डब्बा नहीं खोलना पड़े और निकालना पड़े और थॉ करें। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कर दिया करें, छोटे बॉक्सेस में बंद करके रख दिया करें। सॉफ्ट नाउ, ठीक है, ये घी चला गया। अब इसमें आप डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ठीक है जी? ये बेकिंग सोडा है, फिर इसमें आपने डालना है चुटकी भर नमक, चुटकी भर, ये नमक चला गया। मैदा है 350 ग्राम, 100 ग्राम घी है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, चुटकी भर नमक है। अब पानी है यहाँ मेरे पास 75 मिलीलीटर्स, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करके पानी आपने डालना है और आपने इसको मिक्स करते रहना है। क्रम्स की शक्ल इख्तियार करेगा, फिर हम और मज़ीद पानी डालेंगे। हाथ से कर लें, चम्मच से कर लें, फूड प्रोसेसर में कर लें, जल्दी से हो जाएगा। पानी एकदम से नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है? देखें क्रम्स की शक्ल इख्तियार हो रही है, लेकिन अभी भी यहाँ घी है, इसको हमें मिक्स इन करना है अच्छी तरह। फिर मैं हाथ से ही करूँगी, बिकॉज इसी तरह आप मक्खन को या घी को जब हम तोड़ते हैं, आपको पता है ना, जब हम कोई भी पेस्ट्री बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, हाथ से पहले नहीं करते हैं, वरना हाथ की हीट से बहुत ज़्यादा उसको, देखें ये देखें क्रम्स हो रहे हैं ना फॉर्म। दो मिठाई के नाम बताइए, अगर आपको एनेक्स की तरफ से केटल जीतनी है हमारे शो के थ्रू आज, जल्दी से 8881 पे SMS करिएगा। प्लीज़ लिखिएगा नहीं पेज पे या मुझे या मेरे प्राइवेट इनबॉक्स में फेसबुक पे, प्लीज़ SMS करिएगा 8881 पे, ठीक है? ये देखें क्रम्स क्रम्स, और थोड़ा सा पानी। अच्छी क्वालिटी का घी इस्तेमाल करिएगा, अच्छी सी खुशबू आएगी। ओके, नाउ हाथ से कर लेते हैं, इसको गूंद के आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा बेशक आप रख दीजिए ढाक के। अब दूसरे जो अज्जा हैं, आप सोचेंगे क्या हैं? चीनी है, उसमें हम पानी डालेंगे, उसका हम शीरा बनाएंगे और शीरे को क्लियर रखने के लिए चंद कतरे इसमें लेमन के जूस के जाएंगे बस। तो क्या हम करेंगे, इसके हम पेड़े बनाएंगे, पेड़े बना के छोटे सा बीच में ऐसे करके होल कर देंगे, फिर हम घी या तेल गरम करके उसको डीप फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे एटलीस्ट 20 मिनट से 30 मिनट तक, जब तक वो ऊपर फ्लोट नहीं हो जाते हैं, ब्राउन क्रिस्प नहीं हो जाते हैं, फिर निकालेंगे और शीरे में डालेंगे और फिर शीरे में से निकालेंगे। फिर आप उसको रख लीजिएगा जाली पे या किसी प्लेटर पे, और जब वो शीरा फॉर्म हो के ऊपर एक वाइट सी तय आ जाती है बालूशाही पे, तब टाइम है टू सर्व इट, ठीक है? हाँ,
हाथ से करेंगे ना तो आप देखें इस तरह के क्रम्स आपने इसको ऐसे ऐसे मलना है। ठीक है जी, डन। अब मैं और मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, उसी 75 मिलीलीटर ही है मैंने यूज़ किया है। ये मुझे गूंदना है अच्छी तरह हाथ से, जब तक ये पूरा यकजान नहीं हो जाता है। सारा घी इस तरह आपने मिक्स करना है, फिर एक बॉल बना के आप रख दीजिएगा कवर करके इसको, और उसके बाद फिर आप उसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाएंगे ना तब कैसे फोल्ड करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। सूजी का हलवा इज़ वेरी सिंपल बट डिफरेंट, बिकॉज इसमें हम कंडेंस मिल्क आज डालेंगे और जो नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स जो भी कुछ हैं वो फ्राई करके बटर में वो डालेंगे। अब थोड़ा सा हमेशा पानी लेते हैं इन अनदर बोल, ऐसे जग से नहीं डाल देते हैं, इसी में हम थोड़ा सा डालते हैं ताकि ज़्यादा नहीं आ जाए। ठीक है, ये मैं जब तक मिक्स कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज। अब मैं 250 मिलीलीटर्स, देखें ये कप जो है ना इसमें 1 कप 250 मिलीलीटर्स लिखा हुआ है। ठीक है, 250 मिलीलीटर्स यानी कि 1 कप पानी लूंगी और 400 ग्राम चीनी है, यानी आधा किलो से 100 ग्राम कम। ठीक है, प्लीज ये याद रखिएगा, 1 कप पानी, दानेदार चीनी 400 ग्राम, एक तार का हमें शीरा बनाना है, 1 थ्रेड कंसिस्टेंसी की ये चीनी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये अब यहाँ छोड़ देते हैं। अब जब ये बॉईल हो जाएगी, पानी जब बॉईल हो जाएगा, चीनी इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, तब हम चंद कतरे इसमें लेमन जूस के डालेंगे ताकि क्लियर रहे हमारा शुगर सिरप। ठीक है, अच्छा 350 ग्राम मैंने मैदा लिया था, उसको छान के एक बोल में डाल दीजिएगा। 100 ग्राम मैंने इसमें थोड़ा सा पिघला हुआ नरम घी डाला था और 1/4 टीस्पून क्वार्टर टीस्पून यानी कि बेकिंग सोडा, चुटकी भर नमक। ठीक है जी, और बॉइलिंग वाटर या थोड़ा नीम गर्म पानी 75 मिलीलीटर्स मैंने उसमें, कहाँ गया मेरा छोटा वो कप, इसी तरह का छोटा वाला 75 मिलीलीटर्स का है वो लिया था। ठीक है, वो करके अच्छी तरह उसको गूंद के रख दीजिएगा, मैंने वहाँ रख दिया है पीछे क्लिंग लगा के, या किसी कोई प्लेट रख दें या कुछ भी रख दें ताकि एटलीस्ट वो थोड़ा सा उसको टाइम लग जाए। कुछ डोज को टाइम देना ज़रूरी है, ठीक है, राइज होने के लिए या सेटल होने के लिए, टाइम रेस्ट होने के लिए उसको टाइम देना ज़रूरी है। 45 मिनट्स यानी 45 मिनट्स से 1 घंटा आप उसको रख लीजिएगा। फिर क्या करिएगा, आप 400 ग्राम चीनी लीजिएगा, 250 मिलीलीटर पानी यानी कि 1 कप, और उसको यहाँ रख दीजिएगा ताकि बॉयल हो जाए, चीनी पिघल जाएगी, चंद कतरे हम डाल देंगे लेमन जूस के, एंड दैट्स इट, बस। जोहा है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। आज आप बहुत मजे की बालूशाही स्वीट बना रही हैं, मैं जरूर ट्राई करूँ। जी जरूर करिएगा ट्राई, थैंक यू। डिफरेंट थिंग है ना, वरना डिजर्ट तो हर कोई बनाता है, ये जरूर डिफरेंट थिंग है जो आज आपको। हलवे, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीजें आपको जैसे जैसे सर्दी आएगी वैसे सिखाऊंगी। वो आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाह रही थी मैं जी, गुलाब जामुन, बर्फी, अमरती, पतीसा। आपको कौन सी मिठाई पसंद है, ये सारी? मुझे ज्यादा चमचम और गुलाब जामुन और बर्फी, तीनों। अच्छा। पतीसा भी है लेकिन जो मोस्ट फेवरेट है ना वो चमचम है। लोग समझते हैं मुझे सिर्फ चॉकलेट पसंद है लेकिन मुझे तो मिठाई भी बहुत पसंद है। हाँ जी जी चॉकलेट वाली बर्फी भी होती है, बर्फी हाँ, की भी नहीं, चॉकलेट वाली बर्फी नहीं पसंद, मगर मुझे गुलाब जामुन और चमचम और पेड़े और किसी पतीसा सब पसंद है। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। ओके, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज देखते रहिएगा, ट्राई करिएगा, शोज देखिएगा, थैंक यू। ओके जी, अब जब तक ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तब तक हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, जो कि हम 1 से 2 चम्मच आप फीका अनसॉल्टेड मक्खन पिघला दीजिएगा, उसमें मेरे पास यहाँ चॉप किए हुए
पिस्ते हैं, काजू है, बादाम है, जो भी आपको जितना भी डालना है उसको हम फ्राई कर देंगे. फ्राई करके एक तरफ रख देंगे, मक्खन एक्सेस जो हो वो निकाल दीजिएगा. फिर हम सूजी का हलवा बनाएंगे. ओके, ये जो चीनी पानी का शीरा है वो एक तार का होना चाहिए, बहुत स्टिकी नहीं होना चाहिए, एकदम पका नहीं लीजिएगा, वरना क्या होगा कि फिर वो अंदर आप कैसे डिप करेंगे बालूशाही को. ठीक है, ये याद रखिएगा. कोई भी ड्राई फ्रूट आपको यूज़ करने हो, वॉट एवर यू वॉन्ट. थोड़े से ना मैं पिस्ते सोच रही हूँ कि बालूशाही के लिए रख देती हूँ टू एड ऑन टॉप. थोड़े से नहीं, इस तरह के कटे थे बिकॉज फॉर द कुल्फा आइसक्रीम कल हमने उसके लिए रखा था ना, तो बस. अच्छा जी, ये हो गया. अब बादाम को आप काट लें या ऐसे ही रखें, वॉट एवर, आज ऐसे ही रखें. बादाम हैं, काजू हैं, पिस्ते हैं. ड्राई फ्रूट जब भी आप तलें, याद रखिएगा घी में हो, मक्खन में हो, तेल में हो, जिसमें भी हो, उसको छोड़िएगा नहीं. हाँ, ये जल्दी डार्क हो जाती है, स्पेशली किशमिश अगर हो. किशमिश तो बहुत जल्दी काली हो जाती है. शेफ कुकवेयर में हम सारे शेफ्स मसाला टीवी पे कुकिंग करते हैं. पॉट्स एंड पैन्स आर वेरी गुड, आप इनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं. फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान टू मेक प्रेशर कुकर्स. कलर जरा आ जाए, स्पेशली इन द काजू, फिर हट निकाल देंगे. और देखें इसमें खूब सारा उबाल आ रहा है, चीनी भी हमारी पिघल रही है. बालूशाही का डो जो है बना के रख दीजिएगा एक आध घंटा, फिर बनाइएगा इसके पेड़े. मसाला कुकिंग क्लासेस हैं हैदराबाद में. समीना जलील, रिदा आफ्ताब, आबदा बलोच और इरफान वास्ती होंगे. अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे कुकिंग सीखना चाहते हैं, लाल किला हैदराबाद. डेट क्या है? 13th, इस संडे को. अच्छा जी, इस संडे को 13th अक्टूबर. अगर आपने अभी तक नहीं लिए हुए हैं टिकट्स तो प्लीज़ ले लीजिएगा, अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिएगा. देखें ये हो गया, अच्छे से टोस्ट हो गए. अब इनको ना मैं निकाल देती हूँ इन अ बोल और समथिंग, बिकॉज अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा प्लेट में निकाल देंगे, जल जाएंगे. अगर पैन में छोड़ देंगे तो वो जल जाएंगे. ठीक है जी, ये हो गया. ये देखें चीनी पानी का शीरा बन रहा है. लेमन जूस आपने लेना है थोड़ा सा, चंद कतरे, हाँ 3-4 कतरे बस. ये देखें ये आपने इसमें डाल दिया. शुगर सिरप क्लियर रहता है उससे. ठीक है जी, ये भी हो गया. ओके, अब हम शुरू करें विथ आर हलवा. ओके, ये हमने काजू बादाम और पिस्ते तो फ्राई करके एक तरफ रख लिए मक्खन में. अब हमें क्या करना है, हमने दूध को उबालना है. ठीक है, अच्छा अगर आप ज़ैफ़रान यूज़ कर रहे हैं, मैं ज़ैफ़रान एसेंस यूज़ करती हूँ, आपको पता है इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है. ये नहीं समझिएगा कि एसेंस से टेस्ट नहीं आएगा, ज़ैफ़रान सिर्फ नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है. तो मैं क्या करूँगी, अगर आप यूज़ कर रहे हैं ज़ैफ़रान, थोड़ा सा दूध इसमें से निकाल दीजिएगा, थोड़ा सा दूध गर्म कर लीजिएगा, उसमें ज़ैफ़रान डाल दीजिएगा तो बहुत अच्छा कलर आएगा. मैं क्या करूँगी, मैं पहले घी में 150 ग्राम घी है हमारे पास. मिठाइयाँ, देसी चीज़ें, ऐसे हलवे वगैरह तो मैं घी में मक्खन में ही बनाती हूँ, उसका अपना एक अच्छा सा टेस्ट आता है. और अच्छी क्वालिटी का आप घी लेंगे तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है. अच्छा, ये है 1/4 किलो मेरे पास, यानी कि 8 ounces सूजी. जब ये पिघल जाएगा तो इसमें हम सूजी डाल के खूब इसको हम भूनेंगे. ठीक है, कलर नहीं चेंज हो ये याद रखिएगा. लो हीट पे हम भूनेंगे सूजी डालने के बाद, फिर हम दूध डालेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें एसेंस डालेंगे, चीनी डालेंगे और कंडेंस मिल्क बिल्कुल एंड में जाएगा. कंडेंस मिल्क डालने के बाद प्लीज़ बहुत पकाइएगा नहीं. कंडेंस मिल्क अगर पका भी रहे चमचा चलाते रहिएगा, बिकॉज क्या होगा कंडेंस मिल्क जो है वो फिर नीचे लग जाता है बहुत जल्दी. ठीक है,
So we'll do this, complete this, and then we'll come back to our balushahi because uske dough banana hai, uske dough bana diya hai, uske balls banane hai, usko hume deep fry karna hai, phir shire mein dalna hai. Ab ye ek tar ka check karna hai, one thread consistency jo kehte hai na wo. Acha, ab main iski aanch low kar deti hu. Aur isme hum dalte hain suji. Theek hai, 8 ounces suji hai. और इसको आप अच्छी तरह भूनिए घी में. कुछ लोग सूजी के हलवे में थोड़ा सा पानी भी डालते हैं बिकॉज बाज़ वक्त सूजी बहुत ज़्यादा जज्ब कर लेती है दूध को. सूखा सा फिर नहीं चाहिए हमें. हल्की आंच पे भूनते रहिए भूनते रहिए. इसकी भी आंच और भी कम कर दूँ. अच्छा, मीनवाइल ये जो है ना चीनी पानी का शीरा, इसको मैं बंद कर देती हूँ. बहुत गाढ़ा नहीं हो जाए. गाढ़ा हो जाएगा तो फिर आप उसको डिप ही नहीं कर सकेंगे बालूशाही को. अच्छी तरह घी में आप इसको रोस्ट करते रहिए, कलर नहीं चेंज हो. ठीक है, यू हैव टू कीप रोस्टिंग द सूजी. सूजी को इस तरह भूनना बहुत ज़रूरी है. कच्चा नहीं, इसमें फ़ौरन दूध नहीं डाल दीजिएगा. अब आप इसमें फिर कोई भी एसेंस डालना चाहें डाल सकते हैं. वेनिला भी डाल सकते हैं, सैफ्रॉन एसेंस भी डाल सकते हैं. मैं दोनों डालूंगी. आप इसमें केवड़ा थोड़ा सा डाल सकते हैं, आप इसमें इलायची जायफल भी डाल सकते हैं, वॉट एवर. आज थोड़ा सा मुख्तलिफ बना रहे हैं हम. ठीक है जी, इसको आप भूनते रहिए हल्की आंच पे. अब आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए. ऊपर चीनी डाल देती हूँ. मेरे पास यहाँ क्वार्टर टू हाफ कप. देखें, कंडेंस मिल्क बहुत मीठा होता है तो बहुत मीठा नहीं करिएगा. क्वार्टर टू हाफ कप आप चीनी डाल दीजिएगा, फिर मैं दूध डालती हूँ. चीनी को भी ज़रा अच्छी तरह इसी के साथ मिक्स कर देते हैं. और जैसे मैंने पहले भी कहा था, एड लिटिल बिट ऑफ वाटर, बहुत थोड़ा सा पानी. देखिएगा सूजी ये पानी को कितना जल्दी अब्सॉर्ब कर लेगा. जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी. और आपने अगर जीतना है हमारे शो के थ्रू इनेक्स का ये गिफ्ट, तो जल्दी जल्दी 888 पे आप हमें बताएंगे 2-3 मिठाइयों के नाम. मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा. लेट्स टेक अ ब्रेक. जी वेलकम बैक. अच्छा, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू ऐड द मिल्क. आपके सामने घी में आपने सूजी को रोस्ट किया, थोड़ा सा पानी डाला. देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए. ठीक है, अब आप इसमें दूध शामिल करेंगे. 1 से 1.5 लीटर, कभी कभार 2 लीटर भी दूध जाता है इन दिस. अब इसको आप खूब पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं होता है. लेकिन मेक श्योर कि इसमें लम्स नहीं हो, तो आप विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये भी याद रहे कि ये गाढ़ा होगा, दूध थोड़ा रिड्यूस होगा, और फिर हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे तो और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा हलवा. फिर आप इसमें एसेंस डालें, फ्लेवरिंग्स जो भी डालने हों. अगर आपको इलायची जायफल डालना हो पिसा हुआ, वो भी आप डाल सकते हैं. यानी कार्डमम सीड्स पाउडर, ग्राउंड कार्डमम जो हम कहते हैं, या फिर नटमैग. आज मैंने नहीं डाला है, नॉर्मली मैं डालती हूँ. हमेशा कुछ ना कुछ मुख्तलिफ बनाया करें, कोई चीज़ ऐड करें, कोई चीज़ ओमिट करें. इस तरह टेस्ट, फ्लेवर में, टेक्सचर में अच्छा लगेगा, डिफरेंट लगेगा. ओके, दी एसेंसेज विल गो इन, ज़ाफ़रान वाला और वेनिला वाला बाद में, नॉट नाउ.
कोई भी गर्म चीज़ में एसेंस नहीं डालते हैं, उसका वो टेस्ट ख़त्म हो जाता है. इसको हम पकने देते हैं. अब लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस देयर ताकि मुझे यहाँ स्पेस मिल जाए टू मेक माई डो, बिकॉज ये भी हमें करना है. वक्तन फवक्तन हम इसको चलाते रहेंगे. ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है. घी गरम कर किया है आपने 150 ग्राम, उसमें आपने 1/4 किलो यानी 8 ounces सूजी डाल दी है. अच्छी तरह आपने भूनना है. एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का जाएगा. 1/4 to 1/2 cup हमने इसमें चीनी डाली है और ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रान एसेंस और वेनिला एसेंस इसमें जाएगा और काजू बादाम पिस्ते हैं जिनको मैंने 1 से 2 tablespoons मक्खन में, पिघले हुए मक्खन में इस तरह भून लिया था. बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को रोका है कि मैं ये खाती नहीं जाऊँ. नट्स, फ्राइड नट्स किसको नहीं पसंद. मैं अपने घर में बहुत सारे बादाम गर्म पानी में डाल के छिलका उतार के पतले लंबाई में काट के पिस्ते भी उसी तरह फ्राई करके रख देती हूँ फ्रीज़र में. 6-8 महीने पूरा साल अच्छा रहता है. आज़ाद कश्मीर से दाऊद की कॉल. जी हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. जी हैं आप? मैं ठीक हूँ शुक्रिया. आप लोग कैसे हैं सब वहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपकी दुआएं. माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है. बहुत शुक्रिया. कुछ बनाते भी हैं कि आप देखते रहते हैं शो? बनाता भी हूँ लेकिन वीकेंड पे ज्यादा ट्राई करता हूँ क्योंकि वीकेंड से फारिग होता हूँ जी, तो कुछ ना कुछ जरूर ट्राई कर लेता हूँ. ओके, थैंक यू सो मच. इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. जरूर. और जी जी बोले. मुझे ना आलू का शोरबा बनाना सिखा दे. मैं बनाता हूँ, मुझसे अच्छा नहीं बनता बाकी रेसिपी, तो मैं बनाता हूँ आलू का शोरबा, बस मुझे बनाना सिखा दे. अच्छा, ओके ठीक है, बनाएंगे जरूर. जी जी जरूर बनाइएगा. ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़. अब ये भी नहीं छोड़ सकते कि उसको भी करना है. क्या करूँ मैं, उसको मुझे फ्राई भी करना है, उसमें टाइम लग जाएगा. तो मैं ज़रा सूजी के हलवे को अभी हल्की आँच पर छोड़ देती हूँ. ठीक है, हल्की आँच पर. आप लोग इसको प्लीज़ 1-1/2 घंटा रखिएगा. थोड़ा सा तेल या घी लगा दीजिएगा काउंटर पे ताकि आसानी से आप इसको बेल सकें. हाथ से बेलना है, हाथ से बेलिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. ओके, इसको भी हटा देते हैं. आपको बेशक हाथ से करना है, सो डू इट विथ योर हैंड. देन यूज अ नाइफ. कट फिर ये पार्ट इस पे, ठीक है, फिर दोबारा. फिर कट फिर ये पार्ट इस पे. समझ आया ये क्या हो गया इसको? हाथ हमेशा थोड़े से घी के. कैन यू सी द लेयर्स? देन द लेयर्स विल फॉर्म देन. अच्छा, इसको भी देखते हैं प्लीज़. मेरा हलवा हो गया है. मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ बिकॉज मुझे फिर इसकी टेंशन हो रही है अभी, क्योंकि मुझे उसको देखना है, उसको मुझे फ्राई करना है. Can you see these layers? ठीक है, बेलिएगा नहीं. हाँ, और जिसको घर में मिठाई खाने का बहुत शौक है ना, उससे काम कराइएगा. ये एक्सरसाइज, हाथ के मसल स्ट्रांग होंगे. किसको खानी थी? बालूशाही यहाँ. चलिए आइए, काम करिए प्लीज. सब तो काम नहीं कर रहे हैं. ओके, चलिए ये हो गया. अब हम क्या करेंगे? नाउ वी हैव टू मेक पेड़ाज. अब मैं लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, अब आपने इसके पेड़े बनाने हैं.
यू कैन सी द लेयर्स बिकॉज आपने इसको इस तरह एक के ऊपर एक पफ पेस्ट्री की तरह स्टैक किया है. छोटे छोटे बनाइएगा. वी गॉट नो टाइम टूडे एज ऑलवेज ऑन आर शो वी हैव नो टाइम. बना के होल ठीक है. थोड़ा सारा हैंड मेरा स्टिकी करें. ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक में मैं यहाँ तेल या घी जो भी आपको इस्तेमाल करना है वो गरम करने रख देती हूँ ठीक है. और फिर हम इसी तरह एक बॉल बनाएंगे, उसमें बीच में ऐसे होल करेंगे, डीप फ्राई करना है, फिर शीरे में डालना है और इसको भी हमें कंप्लीट करना है. सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज. जी वेलकम बैक. देखें यहाँ तेल या घी जो भी आपने फ्राई करने के लिए रखा है उसमें पेड़े डाल दीजिएगा, बस एक ऐसे इंडेंट कर दीजिएगा बीच में ठीक है. अब मुझे इसको फिनिश करना है, सूजी के हलवे को. कंडेंस मिल्क आपने एंड में डाल देना है. पूरा टिन है ये, बहुत रिच हलवा बनता है ठीक है. अगर कंडेंस मिल्क नहीं डालना है, सिर्फ दूध के साथ, डेढ़ लीटर, एक से डेढ़ लीटर दूध के साथ करिएगा. अब हम इसको चलाएँगे. मेक श्योर कि लम्ब्स नहीं हो, हल्की आंच पे रखिएगा. इसको अभी छेड़िएगा नहीं, खुद ही फ्राई होके ऊपर आ जाएंगे, फिर टर्न करिएगा. क्रिस्प हो तब तक हमें फ्राई करने हैं, क्रिस्प एंड ब्राउन. फिर निकलेंगे, छन्नी में जाएंगे और फिर फौरन हम डाल देंगे चीनी पानी के शीरे में ठीक है जी. ये सूजी का हलवा विस्क के साथ चलाइएगा ताकि उसमें लम्ब्स नहीं हो, और कंडेंस मिल्क डालने के बाद चलाते रहिएगा वरना क्या होगा, नीचे लग जाएगा. अब आप इसमें एसेंस डाल दीजिए, वेनिला एसेंस है ये, थोड़ा सा ज़ाफ़रान एसेंस डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है. एंड मिक्स इट. अट्ठारह और 19 अक्टूबर को पाकिस्तान फूडीज फेस्ट है एट बीच लग्जरी होटल कराची. मैं हूँ 18 को, फ्राइडे है, वहाँ डिनर पे आपके साथ आइएगा ज़रूर. और फिर समीना जलील है 19 तारीख को. चलिए दिस इज़ डन ठीक है जी, दिस इज़ रेडी. इसको ओवर क्राउड नहीं करिएगा, इसको अभी छेड़िएगा नहीं. इसको मैं निकाल देती हूँ बोल्स में और उस पर फिर ये बादाम पिस्ते काजू. मीठा बहुत नहीं करिएगा बिकॉज ऑफ द कंडेंस मिल्क. ओके, कंडेंस मिल्क है इसमें तो बहुत मीठा अच्छा नहीं लगेगा. फिर कोई भी चीज़ ओवर मीठी नहीं करिए, सटल एक मिठास इसमें होना चाहिए. इवन इफ आप मिठाई बना रहे हैं, ओवर मीठा अच्छा भी नहीं है, ना टेस्ट में ना सेहत के लिए. वैसे ही कंडेंस मिल्क कितना मीठा होता है. ओके नाउ लॉट्स ऑफ बादाम पिस्ता ऑन टॉप, काजू, वट एवर यू वॉन्ट टू एड. ये हो गया. हल्की आंच पे फ्राई करते जाइएगा बालूशाही को. बहुत आसान है, घर में बनाइए. बहुत पहले भी मैंने मिठाई बहुत सारी सिखाई थी, हलवे स्पेशली बहुत सारे सिखाए थे, सब सर्दियों में मुझे याद है. कौन सा साल था अब मुझे याद नहीं आ रहा. आप लोग गूगल करेंगे या डेली मोशन पे ढूंढेंगे या यूट्यूब कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगी हमारी सारी रेसिपीज़. ठीक है जी, ऑल डन.
ये हो गया आपका कंडेंस मिल्क का सूजी का हलवा। इसको मैं हटा दूं यहाँ से ताकि आसानी हो मेरे लिए आपको ये दिखाना। आप देख रहे हैं कि मैं इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगा रही हूँ, इसको आप फ्राई होने दीजिएगा वरना ये क्रिस्प फ्राई नहीं होंगे और आप इनको टर्न नहीं करिएगा, ठीक है। इसमें हम निकालेंगे और हम शीरे में डालेंगे। ये ऊपर जब फ्लोट होके आ जाएं तो यू कैन टर्न देम। जैसे मैंने काट के हाथ से करती गई थी वैसे ही करिएगा ताकि फिर वो अंदर पर आएंगे, उसके लेयर्स आएंगे। ओके, डू दैट, डेफिनेटली डू दैट। चलिए ऐसे करते हैं कि हम रेसिपी रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं जब तक यहाँ बालूशाही फ्राई हो रही है। जी ठीक है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से डीलक्स केटल अपने किचन के लिए, अपने घर के लिए, तो जल्दी से मुझे 888 पे 3-4 मिठाई के नाम बताइए, जो भी आपकी फेवरेट मिठाई हो। मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। बालूशाही अज्जा, मैदा 350 ग्राम, घी 100 ग्राम, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चम्मच, नमक चुटकी भर, उबलता पानी 75 मिलीलीटर, तेल डीप फ्राई के लिए, शुगर सिरप के अज्जा, चीनी 400 ग्राम, पानी 250 मिलीलीटर, लीमू का रस 3-5 कतरे, ज़ाफ़रान चंद रेशे। तरकीब, पहले मैदा, घी, बेकिंग सोडा और नमक मिक्स करें, फिर उबला पानी डालकर गूंद लें। अब इसके बॉल्स बनाकर थोड़ा पतला करके दरमियान में से दबा दें, फिर तेल गर्म करके पहले दरमियानी आंच पर फ्राई करें, फिर आंच धीमी करके पकाएं। शुगर सिरप के लिए चीनी और पानी को उबाल लें, फिर इसमें लीमू का रस डाल दें, साथ ही थोड़ा ज़ाफ़रान शामिल करके चूल्हा बंद कर दें। अब बालूशाही को 5-10 मिनट के लिए इसमें डाल दें, फिर निकाल कर सर्व करें। कंडेंस्ड मिल्क सूजी हलवा अज्जा। सूजी 1/4 किलो, घी 150 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 1 टिन, चीनी 1/4 से आधा कप, ज़ाफ़रान चंद रेशे, दूध 1.5-2 लीटर, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चम्मच, काजू बादाम पिस्ते मुट्ठी भर, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब, पैन में मक्खन गर्म करके काजू बादाम और पिस्ते फ्राई करें कि लाइट गोल्डन हो जाए, फिर नट्स को मक्खन से निकाल कर एक तरफ रख दें। अब आधा कप गर्म दूध में ज़ाफ़रान शामिल कर दें, उसके बाद घी गर्म करके सूजी भून लें। अब इसमें चीनी और दूध शामिल करके मिक्स करते जाएं कि गुठलियाँ ना बने, फिर इसमें ज़ाफ़रान वाला दूध और कंडेंस्ड मिल्क डालकर मिक्स करें। आखिर में वनीला एसेंस शामिल करके चूल्हा बंद कर दें और फ्राइड नट्स से गार्निश करके सर्व करें। जी वेलकम बैक, मैं इसको निकाल देती हूँ बिकॉज मुझे शीरे में भी डिप करके आप लोगों को दिखाना है। सो आप लोग इसको 25-30 मिनट प्लीज़ फ्राई करिएगा, ठीक है। जैसे ही फ्राई हो जाए निकाल दीजिएगा, नाइस एंड ब्राउन, और फिर आप उसको शीरे में डिप करेंगे 5 मिनट एटलीस्ट। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फ़ौरन इसको एक तार का शीरा होना चाहिए पतला, अच्छी तरह इसको कोट करिए चीनी में, फिर आप किसी प्लेट पर रखिए ताकि एक्सेस जो शीरा हो वो निकल जाए, फिर प्लेटर पे रखिएगा। और जब चीनी ऊपर से वाइट वाइट लग जाए ना, तब दैट्स द टाइम व्हेन द बालूशाही इज़ रेडी, ठीक है। रिपीट में देख लीजिएगा रात में, अगर अभी कुछ भी मिस आउट हो गया हो तो। एक्चुअली मैं क्लियर बोल में निकालती तो आप देख सकते, लेकिन वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम।
इसमें आप थोड़े थोड़े पिस्ते डाल दीजिएगा एंड दिस इज डन, दिस इज रेडी. ठीक है, द विनर इज मलाइका फ्रॉम गुजरात. ठीक है जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा. आप ये रेसिपीज ट्राई करेंगे, ये बिल्कुल ट्रिकी नहीं है. आप समझ रहे हैं कि मिठाई बनाना बहुत ट्रिकी काम है, बस उसको डो को आप एक घंटा रखिएगा, फिर आप उसको आधा घंटा फ्राई करिएगा लो आंच पे. ठीक है, और बिल्कुल उसको हिलाइएगा नहीं, और उसके बाद फिर आप उसको एटलीस्ट 10 मिनट अंदर सोक करके रखिएगा चीनी पानी के शीरे में. तो आई होप आपने ये रेसिपी फॉलो की है, आप बनाएंगे इसको ज़रूर और मुझे फीडबैक दीजिएगा. और अगर गोल नहीं भी बने तो कोई मसला नहीं है, द होल आइडिया इज़ कि वो अंदर के पर जो हैं, लेयर्स जो हैं, वो क्रिस्पी से बनने चाहिए. वो होंगे अगर आप उसको हाथ से बेलेंगे, फिर काटेंगे, फिर एक पीस को दूसरे पे रखेंगे, फिर हाथ से इसको बेलेंगे, जैसे हम पफ पेस्ट्री बनाते हैं. ऑल वी नीड इज़ द लेयर्स, क्रिस्पी लेयर्स. ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का घी इस्तेमाल करिएगा. सो आई होप आपने ये शो एंजॉय किया. आप दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त. जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा. खुदा हाफिज़.